पल्पी टैमरिन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्पी स्पाइसी फ्राइड अमेरिकन स्वीट कॉर्न्स कैसे बनाते हैं देखेंगे। हमें चाहिए अमेरिकन कॉर्न्स, कॉर्नफ्लावर, नमक, रेड चिल्ली फ्लेक्स, करी पत्ता, इटालियन सीजनिंग, ओरिगैनो, बेसिल, थाइम, रोजमेरी और सेज, एक नींबू। तो बाजार से अमेरिकन स्वीट कॉर्न ले आइए, एक चाकू की मदद से उसके आगे और पीछे काट लीजिए और बीच में से लंबा काट कर जो ऊपर की पत्तियां हैं उन सबको निकाल लीजिए और रेशम का जो धागा है उसे भी निकाल लीजिए। उसके बाद उसे सीधे खड़ा रखे एक चाकू की मदद से ऊपर से नीचे तक सीधा काटिए, पूरा जो है मक्का निकल के आ जाएगा। या तो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं इसे निकालने के लिए। तो पूरा कॉर्न हमने निकाल लिया है। एक कढ़ाई में हम पानी के साथ नमक डालकर उबालेंगे, उसमें इसको डालकर 2 या 3 मिनट तक अच्छी तरह से उबालकर हम फिर पानी को 2 मिनट उबालने के बाद पानी को ड्रेन करके हम एक कपड़े में सुखा देंगे। आप सुखा भी सकते हैं और फिर कपड़े से उसको अच्छी तरह से पोंछ भी सकते हैं ताकि बिल्कुल पानी ना रहे और पूरी तरह से सूख जाए। तो उसे हम फिर एक बर्तन में डाल देंगे, उसमें हम जितना हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए उतना ऐड करेंगे, नमक और हल्दी डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। बहुत कॉर्नफ्लावर मत डालिए, ये पकौड़ा या जो बच्ची है वो नहीं बन रहा है। थोड़ा सा कोटिंग चाहिए हमें ताकि वो उसका मॉइस्चर निकाल दे और फ्राई करते वक्त क्रिस्पी बने। तो उस तरह से डाल लीजिए, उसे एक और रख दीजिए और एक कढ़ाई में तेल डाल के गर्म करने के लिए रख दीजिए। कम तेल रखिए और गर्म होने के बाद स्टोव को मीडियम में रखकर थोड़ा सा डाल के देखिए और एक प्लेट या कुछ रख लीजिए अपने आप को जो है छिड़कने से बचाने के लिए। हमने जितना भी स्टेप लिया हो फिर भी मक्का जो है फूट सकता है तेल में, इसलिए अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ रख लीजिए। तेल कम यूज़ कर लीजिए, अगर कोई संभावना हो भी जाता है तो जो है डेंजर कम रहता है और तेल ख़राब भी कम होता है। ऊपर से मीडियम में रखिए गैस को, क्योंकि हमें अच्छा क्रिस्पी बनाना है कॉर्न को, और कॉर्न का बबल जब तक कम ना हो जाए वेट करके फिर निकालिए। हमें एकदम क्रिस्प बनना है, एकदम कड़क बनना है, खस्ता बनना है, तो जो है हमें वेट करके निकालना पड़ेगा। और अपने जो बचाव के लिए आप कुछ ना कोई प्लेट रख लीजिए, क्योंकि हमने जितना भी प्रिकॉशन लिया है फिर भी एक या दो जो है एक समय पे फूट सकता है, कभी पूरा जो कॉर्न है सब फूट सकता है। तो हमें अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए और गैस को ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर वैसे आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिए, सुखा लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर कोटिंग दे दीजिए कॉर्नफ्लावर का, कुछ नहीं होगा। तो देखिए कितना सुंदर और सुनहरा लग रहा है। ये हमारा हल्दी का काम है और बहुत क्रिस्पी भी बना है, एकदम खस्ता बना है। इस तरह से आप भी बना लीजिए। तो इसमें अभी नमक, रेड चिल्ली फ्लेक्स, फ्राई किया हुआ करी पत्ता, इटालियन सीजनिंग, लाइम जूस, ओरिगैनो, रोजमेरी, सेज, थाइम, बेसिल, जो भी आपके पास है सब डाल लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। सर्व कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। पल्पी टैमरिन चैनल को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए।